अगर 370 के बाद शांति हुई तो 157 सुरक्षा कर्मियों की और आर्मी के जाबाजों की उस शहादत के बारे में आप क्या कहिएगा, जो बार बार एम्बुश में रजौरी, पुंज, अनंतनाग, तमाम ऐसी जगहों पर उनकी शहादत हुई। लेकिन एक नया पैटर्न हमने देखा। अमित शाह जी, आप हमेशा की तरह बड़े झूठ के पुलिंदे सदन में बोलकर चले गए, लेकिन क्योंकि आपने इस बार फिर से कश्मीरी पंडितों के दर्द और उनकी वेदना पर अपनी घिनौनी राजनीतिक रोटियां सेकी, तो आपकी कलई खोलनी और आपके झूठ की कलई खोलनी जरूरी है। कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं आप, कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात कर रहे हैं। जब 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, तब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी केंद्र में, जो आपके समर्थन से चल रही थी। आपने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? असलियत यह है कि उस सरकार में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया। असलियत यह है कि वहां पर गवर्नर जगमोहन थे, जिनको आपने केंद्र सरकार में मंत्री बनाया। असलियत तो यह है कि आपने समर्थन वापस 7 अगस्त 1990 में लिया, कश्मीर के मुद्दे पर नहीं, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर नहीं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने, इसलिए आपने समर्थन वापस लिया। तो आप पिछड़ा विरोधी तभी से थे। आप कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, आज कश्मीरी पंडितों की जिस तरह से टारगेटेड किलिंग हो रही है, शायद पहले कभी हुई हो। राहुल भट्ट से लेकर मिस बाला तक की टारगेटेड किलिंग हुई, कश्मीरी पंडित आपसे मिलने के लिए बेचैन रहे, आज भी धरना और अनशन पर बैठे हैं। उन पर लाठियां बरसाने का, उनको करंट के तार लगाने का काम आपकी सरकार ने किया, क्यों नहीं उनको सुरक्षित रख पाए? हमने तो 3000 घर बनाए, उनको आपने बेघर कर दिया। हमने तो लोगों को नौकरियां दी, और आज हालात ऐसे हैं कि कश्मीरी पंडित जम्मू में रहने को मजबूर है, वो कश्मीर अपनी नौकरियों पर नहीं लौट पा रहे हैं, क्योंकि टारगेटेड किलिंग हो रही है। ये है आपकी सुरक्षा? कश्मीरी पंडितों से हटकर बात करते हैं शांति की। आपने कहा 370 के बाद शांति होगी। अगर 370 के बाद शांति हुई तो 157 सुरक्षा कर्मियों की और आर्मी के जाबाजों की उस शहादत के बारे में आप क्या कहिएगा, जो बार बार एम्बुश में रजौरी, पुंज, अनंतनाग, तमाम ऐसी जगहों पर उनकी शहादत हुई। लेकिन एक नया पैटर्न हमने देखा कि 2021 के बाद से प्रधानमंत्री और आपने श्रद्धांजलि और संवेदना का एक भी शब्द बोलना बंद कर दिया। असलियत तो यह है कि जब दो जाबाज जवान कैप्टन्स की शहादत होती है और उनके शव घर आते हैं, तो प्रधानमंत्री सोटी करते हैं। असलियत तो यह है कि जब एक मेजर, एक कर्नल, एक डीएसपी की शहादत होती है आतंकवादियों के हाथ, तब प्रधानमंत्री कोई जश्न मना रहे होते हैं भाजपा के हेडक्वार्टर में। आप बात करिएगा आतंकवाद की, चलिए आतंकवाद पर बात कर लेते हैं। समझाइएगा किसी को कि सैफुल्ला फारूक, जो 10 साल तक जेल में था, पाकिस्तान परीक्षण लेके आया, मसूद अजहर का बड़ा शिष्य, उसको आपने निकाय चुनाव का टिकट क्यों दिया? आपने तारिक अमीर को विधायकी का टिकट क्यों दिया? उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई जानता नहीं है क्या? आपने तालिब हुसैन के साथ मंच कैसे साझा किया? और आपने आसिया अंद्राबी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना के उसके पोस्टर लगवाए, वो पाकिस्तान जिंदाबाद और उनके समर्थन के नारे लगवाती है और पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग पाके आती है। ये है आपका वतन परस्ती, ये है आपकी असलियत। बता पाएंगे कि बार बार आप आतंकवादियों को गले क्यों लगाते हैं? और एक बात और, ऐसा क्यों होता है कि जब जब भाजपा की केंद्र में सरकार होती है, तभी रघुनाथ टेम्पल पर प्रहार होता है, तभी अमरनाथ यात्रा पर प्रहार होता है, हमला होता है? ऐसा क्यों है? किसको बचा पाए आप कश्मीर में? ना आप कश्मीरी पंडितों को बचा पाए, ना वहां पर आप शांति बहाल कर पाए। और क्योंकि आप चुप रहेंगे तो सच नहीं बदल जाएगा कि कश्मीर में आज भी हमारे जाबाज शहीद हो रहे हैं। और जब तक आप इन बातों का जवाब नहीं दीजिएगा, कश्मीरी पंडितों पर और पिक्चरों की और पिक्चर हॉल की बात मत करिए, क्योंकि असली पिक्चर तो देश देख रहा है। और देश देख रहा है कि आज भी आपकी नाक के नीचे टारगेटेड किलिंग होती है, आज भी आपकी नाक के नीचे जाबाजों की शहादत होती है, आज भी आपकी नाक के नीचे आप दुर्दांत आतंकवादियों को गले लगाते हैं। जब ये सब करना बंद कीजिएगा, तब कश्मीर पर अगली बार बात कीजिएगा।